नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही ट्रेनों के बारे में। चाहे किसी नई ट्रेन के चलाए जाने की घोषणा हो या पहले से चल रही किसी ट्रेन में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो भारतीय रेलवे से इन्फॉर्मेशन ला करके वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा और कामाख्या के बीच में एक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कौन कौन से दिन ये ट्रेन चलेगी, क्या आगमन प्रस्थान का समय रहेगा, कौन कौन से स्टेशन पर रुकेगी, इस सब हम आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। गाड़ी संख्या 04680 कटरा से खुलेगी शाम के 6:48 पर और अगले दिन रात के 9 बजे कामाख्या पहुँच जाएगी। इसका परिचालन 28 अक्टूबर और 2 नवम्बर को होगा। गाड़ी संख्या 04679 4679 कामाख्या से प्रस्थान करेगी सुबह 6 बजे और अगले दिन सुबह 6:20 पर कटरा पहुंच जाएगी। इसका प्रचालन 31 अक्टूबर और 5 नवंबर 2024 को होगा। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी कोच होंगे इसमें। अनरिजर्व्ड या स्लीपर कोच की बात नहीं कही गई है। रास्ते में रुकेगी, ये जो स्टेशन है उनका नाम है शहीद कप्तान तुषार महाजन जम्मू तवी, पठानकोट कैंट, जलंधर कैंट, ढंडारी कला, चंडीगढ़, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, नवगछिया, कटिहार, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, बंगाईगांव, गोपालपारा स्टेशन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी और ट्रेन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक सिर्फ जानकारी के लिए हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।